Hello friends, I welcome you in Ayushman classes. I am present here to take a question, solution of the question CSIR-NET December 2017 Mathematical Science Booklet Code A. Mathematical Science का जो paper हुआ है December में 2017 में उसका Booklet Code A का ये question number 18 है, उसका solution मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? What is the question? A person purchases two chains from a jeweler, one weighing 18 gram made of 22 karat gold and another weighing 22 gram made of 18 karat gold. Which of the following statements is correct? First option is 22 karat chain contains 2 by 11 times more than gold than 18 karat gold. Second and third is both chains contain the same amount, same quantity of gold. मतलब सभी में हमको quantity of gold निकालना है. चलिए निकालते हैं. Quantity of gold इन फर्स्ट क्या है कितना करेट का 22 करेट गोल्ड 22 करेट है ना गोल्ड चेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 22 करेट चेन ठीक है 22 करेट तो देखो इसमें क्या है हम लोग जो सोने की शुद्धता मापते हैं ना वो 24 करेट को मानते हैं वो शुद्ध होता है तो ये 22 करेट का है तो 22 डिवाइडेड बाय 24 है ना और कितना ग्राम है इसका इसका टोटल ग्राम है फर्स्ट वाले का 18 ग्राम ठीक है 18 ग्राम कैंसिल करें अगर इसको तो 64 और 63 और इसको 2 से कैंसिल करें 2 2 जा 4 और यहां से 2 11 तो ये कितना आ गया 33/2 ग्राम ठीक है 33/2 ग्राम और अगर हम दूसरे का देखें क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन सेकेंड वाला कितना ग्राम है कितने कैरेट वाला 18 कैरेट गोल्ड है ना 18 कैरेट तो इसका कितना होगा इसमें गोल्ड की क्वांटिटी कितनी होगी 18 कैरेट का है और टोटल शुद्ध वाला कितने का होता है 24 इसका कितना ग्राम दिया गया 22 ग्राम दिया गया अगर इसको हम कैंसिल करें तो 64 जा दिस और 63 जा दिस 2 2 जा दिस एंड 2 11 दिस अगेन 33/2 ग्राम गोल्ड ठीक तो दोनों में गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो क्या है सेम है तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा Both chain contains the same quantity of gold. तो अगर हम ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप एक लाइक करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू वेरी मच